Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. This is your first day and I welcome you all. Please mujhe bata dein ki aapko jo voice hai wo clear aa rahi hai aur screen jo hai that is also visible. Like it's clear. I hope you're all doing well and I welcome you all. Main aapki Ababil English language course ki instructor hoon and my name is Sidra Rahiz Kamar. Main aapko apna ek brief introduction de deti hoon. ओके ग्रेट टू नो के जो वॉइस है वो क्लियर है मिस्टर अब्दुल गफूर मिस्टर मोहम्मद बिलाल एंड मिस्टर फातिमा थैंक यू सो मच ओके जी मेरी जो क्वालिफिकेशन है इट इज मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड अलोंग विद दैट आई एम सेल्टा सर्टिफाइड सेल्टा जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन है इट इज अ कैम्ब्रिज कोर्स बेसिकली और उसको करने का पर्पज ये होता है कि फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज के एक ऑथेंटिक और रिकग्नाइज टीचर बन जाते हैं सो ये बताने का पर्पज ये है दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अश्योर्ड और आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी कम्फर्टेबल विद द फैक्ट कि आप सेफ हैंड्स में हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो ये 30 डेज का एक्सपीरियंस है इट विल बी अमेजिंग इसमें आपके जो माइक्रोफोन्स हैं एक्चुअली आई कीप योर माइक्रोफोन्स ऑफ सो दैट वी डोंट हैव एनी बैकग्राउंड नॉइज और आपको जो लेक्चर है जो हम ये अपना अबाबिल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के जो 30 सेशंस हैं ये आपको क्लियरली समझ आ जाएं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑफ कोर्स वी विल मेक इट इंटरैक्टिव एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन सेइंग समथिंग आप अपना कोई व्यू शेयर करना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कहीं पे मैं बहुत तेज बोल रही हूँ या मेरी कोई बात समझ नहीं आई है यू कैन टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रिपीट एवरीथिंग फॉर यू आई विल क्लियर ऑल द क्वेश्चंस आई विल आंसर एवरीथिंग सो वेलकम टू अबाबिल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अगेन एंड लेट्स स्टार्ट आज मैं आपको जो है अबाबिल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का एक इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली हम इस कोर्स में कवर क्या कर रहे हैं One of the students says that the voice is not clear. Please check your microphone if you're having any voice issue. Right. So what basically we are going to study in this course, agar aap course outline dekhna chahte hain, wo bhi main aapko WhatsApp group mein share kar dungi. Is course mein basically jo English language ki class hoti hai, wo hamesha interactive hoti hai. इंटरैक्टिव का मतलब होता है इंगेजिंग यू इंटरैक्ट यू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हम बुक्स से नहीं इम्प्रूव कर सकते ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं होता कि एक किताब सामने आप रख लें और उसकी क्रैमिंग स्टार्ट कर दें और आप फिर लैंग्वेज पे जो है वो आपकी कमांड हो जाएगी और दैट दिस इज नॉट व्हाट इम्प्रूविंग इंग्लिश लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए आपको कम्युनिकेटिव होना होता है ये क्लास SST बेस्ड है ये मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है SST बेस्ड SST का मतलब होता है स्टूडेंट टॉक टाइम क्लास में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है आइदर यू कैन पार्टिसिपेट इन द मेन लाइव सेशन व्हाट्सएप ग्रुप इज 100% एक्टिव वेयर यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट्स आपकी डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं जो कि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड होंगी उन असाइनमेंट्स को आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे वो मैं आपको तरीका बता दूंगी दैट व्हाट यू टू डू फॉर दैट सो बेसिकली योर क्लास इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास वेयर यू आर द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी लर्निंग हो रही है मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टिप्स ट्रिक्स और टूल्स बताऊंगी हर रोज एवरी डे इन एवरी सेशन यू विल गेट टू हैव An idea that how you have to improve your reading. कहीं reading की practice हो रही होगी, कहीं listening की हो रही होगी, कभी writing की हो रही होगी और कभी speaking की हो रही होगी. Basically, this course is going to focus on your writing skills, but all the other 4 skills will be discussed and will be practiced. मैं आपको बताती हूँ कि जो 4 skills हैं, उनका आपस में connection क्या है. So ये आपका active होना बहुत important है. Passive का क्या मतलब है? Passive, silent, not responsive. अगर आप साइलेंट रहेंगे व्हाई आर यू नॉट एबल टू लिसन टू माय वॉइस प्लीज चेक योर माइक्रोफोन प्लीज
प्लीज चेक योर माइक्रोफोन, अपनी जो माइक्रोफोन की जो आपकी वॉइस जो इसकी सेटिंग्स है माइक्रोफोन की उनको चेक करें प्लीज. सो जो आपकी लर्निंग है वो वन साइडेड नहीं होती, इट इज टू साइडेड. इसमें हम वोकैबुलरी कवर करेंगे, प्रोनंसिएशन होगी, और ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों यहाँ पे आपको इन डेप्थ फीडबैक मिलेगा, डिटेल्ड फीडबैक. आपको असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उसमें मैं आपको राइटिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, स्पेलिंग्स, लिसनिंग में प्रोनंसिएशन, हाई एंड लो पिच, योर वॉइस, हाउ मच यू नीड टू इम्प्रूव, रीडिंग में इफ यू आर गिवन एनी असाइनमेंट, हाउ यू हैव टू, व्हाट आर द टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो इन योर रीडिंग स्किल्स, इन योर स्पीकिंग असाइनमेंट्स, यू आर गोइंग टू गेट असाइनमेंट्स फॉर स्पीकिंग स्किल्स, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल्ड फीडबैक. ऑर्डिनरी फीडबैक नहीं होगा कि ओके यस असाइनमेंट इज फाइन और नो असाइनमेंट इज नॉट फाइन, दिस इज नॉट द फीडबैक. फीडबैक इज जिसमें मैं आपके सारे स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, राइटिंग के जो रूल्स हैं, स्पीकिंग के जो रूल्स हैं, प्रोनंसिएशन है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. सो टुडे यू विल गेट योर फर्स्ट असाइनमेंट एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और आपको आइडिया हो जाएगा. व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इन दिस सेशन, हम क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे. ग्रामर है, आपके फोर स्किल्स हैं, टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, पैराग्राफ, एसे, ईमेल, प्रेसी, ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल राइटिंग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अगर कोई टॉपिक है जो कि आपके माइंड में है और वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ हुआ, जस्ट शेयर इट. आइदर यू कैन शेयर इट इन द लाइव चैट नाउ, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में राइट कर दें कि जी ये वाला टॉपिक वी वॉन्ट टू कवर. And I am going to prepare a full-fledged session for you that will be of 30 minutes. और उसमें आपके answers भी, आपको questions के दिए जाएंगे और topic भी clear हो जाएगा. Four skills में हमने क्या क्या करना है, हमने reading, writing, listening and speaking को cover करना है. Okay, Mr. Muhammad Dalal says that direct and indirect जो है वो mention नहीं हुए. So Mr. Bilal, you are welcome. Direct and indirect, right? वैसे जो ग्रामर है वो काफी बोरिंग होती है, isn't it so? जब हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं या हम टेंसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वी जस्ट गेट दिस इज सो बोरिंग एंड इट इज सो टफ. लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में टेंसेस भी करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू स्टडी, और उसको हम इंशाल्लाह कंफर्टेबली रिलैक्स होकर डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग विल बी क्लियर. आपके ये फोर स्किल्स कवर होंगे. टेंसेस हमारे 12 होते हैं और उसमें हम मेनली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो स्टडी करते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द 12 टेंसेस. जो हमारा सबसे बेसिक टेंस है वो है इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि सिंपल टेंस है. इससे हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको रीजन सिंपल इनडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने का इसलिए क्योंकि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेंस इज इनडेफिनिट टेंस, दैट इज योर सिंपल टेंस. इसको हम कॉमनली डे टू डे रूटीन में यूज करते हैं. सो यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट विद समवन, व्हेन यू हैव टू राइट समथिंग, कॉमनली यूज्ड टेंस इज इनडेफिनिट टेंस. सो वी आर गोइंग टू डू ऑल द टेंसेस, बट ये हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. और इसको स्टार्ट करने का एक और रीजन ये है कि हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, हम ईजी से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए जो लैंग्वेज है वो एक बर्डन ना बने. कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारे फोर टेंसेस हैं बेसिकली. आगे इनका ब्रांच आउट हो जाता है, टोटल 12 बन जाते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ. पंक्चुएशंस हैं, बहुत सी पंक्चुएशंस हैं. एक आपका सेशन पंक्चुएशंस का फुल फ्लेज प्रिपेयर्ड है. हम फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को डेली बेसिस पे सब असाइनमेंट्स में फोकस करेंगे. कैपिटलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब एक रिटन कॉन्टेंट करते हैं, यू व्हेन यू राइट समथिंग, कैपिटलाइजेशन जो है एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. हमें लगता है कैपिटलाइजेशन तो बड़ा आम सी सिंपल सी बात है. नो, इट्स नॉट सिंपल. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, व्हेन आई विल चेक योर असाइनमेंट्स एंड व्हेन आई विल गिव यू द फीडबैक, यू विल सी कि कैपिटलाइजेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन. So we'll be covering all these things. I'll be sharing vocabulary with you. You'll get lists of words in जो भी हम topic करेंगे, mostly सब topics के आपको साथ जो है vocabulary मिलेगी. Pronunciation आपकी speaking assignments में cover होगी. Okay. So what is the importance of English language?
If I talk about myself, I have 10 years teaching experience. In 10 years, I have come across a variety of students, age, then profession. Some were students. They are from different backgrounds, culturally, socially, academically, religiously. Like, religion is not something that we count, but I'm telling you that the people that I have been teaching, the students, they have come across, they've come from different backgrounds. Usme maine ek cheez observe ki hai, and what I've observed is that there are two kinds of students. One student is, or one person is, who has a very strong English, by which I mean that the structures are strong, the vocabulary is high and fancy, and that person is able to communicate, that person is able to have, like, he has strong English language skills. But when he comes to communicate, he's not able to convey his message. Why? Aap kisi, for example, aap ek shopping center mein jaate hain aur wahan pe aapne koi product, you have to buy something, right? And there are two persons standing over there who are there to provide you with the information related to that product. Aap ek bande ke paas jaate hain aur aap usse kehte hain ki jis product ke bare mein bata dein. The person has a strong command over the language, but unfortunately, he is not able to convey the message. Wo aapko aise information de rahe hain us product ke bare mein ki aapko idea nahi ho raha, you're not satisfied in the end, okay? But there is another kind of person. There is another kind of person who has basic content. Miss Neda, you need to please check, sign in again. So there is another kind of person who is who doesn't have a strong language. Basic structures hain, bilkul simple vocabulary hai, or even some of the sentences are broken. But even after the session comes to an end of the speaking or writing session that I've been taking, what happens is by the end of the session, the good point is that skills polish ho gaye hain, and the best part is that he's able to convey his message. Yahan pe main kya aapko batana cha rahi hun ki it is not important that you need to have a high vocabulary, a fancy vocabulary, high structures and complex structures. Aur main ye bhi aapko nahi keh rahi ki aapke paas ye structures or high fancy vocabulary nahi honi chahiye. Yes, you have to improve and you have to grow your language, but the important baseline message is कि आपको इंग्लिश जो आती है उसका मेन पर्पस ये है दैट यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज आइदर इन द स्पीकिंग स्किल्स और इन द राइटिंग स्किल्स. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लैंग्वेज का जो मटेरियल और कंटेंट है वो बड़ा अच्छा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू कन्वे देयर मैसेज. बट देर आर सम पीपल हु हैव बेसिक इंग्लिश स्किल्स, बट वेन दे कम टू कम्युनिकेट उनको अपना मैसेज कन्वे करना आता है. They know that what they have to say and how they have to say it. So, हम यहाँ पे language को improve करेंगे, अपने structures को polish करेंगे, और we are going to practice so much that you will be able to convey your message in the end. That is the main thing that you have to keep in your mind. Because English is not our language. It is not our mother tongue. What we have to do is that we have to practice. We have to listen to the native English in order to speak as clearly as we can. और हमें उनके उनको जिस तरह एक native speaker बोलता है, हमने practice के साथ उसके करीब तर जाके अपनी language को improve करना है, इतना कि the way the words are being pronounced, you are able to pronounce them in a way that they are easily understandable. The structures that you have to practice, you are able to convey your message in a clear, meaningful way. So this is what is important. Either you are learning English or you are playing a piano, there is a secret behind it. There are some people who keep learning and learning and learning, but by the end of the session, by the end of the practice, by the end of the struggle, they stay where they are. Iske piche ek reason hota hai, wo main abhi aapko batane lagi hu. Aapne is point ko apne mind mein rakhna hai, and today when the session comes to an end, I want you to think about this. That when you are learning something, there has to be a secret, there has to be a tool that you have to practice.
this is the secret. Dekhiye, whatever you have to achieve in life, whatever you have to gain in life, there is always something that is important, and that something is your attitude. Ye point yahan pe jo write hua hai, I'm sure that most of you are able to understand this point. Your attitude either makes you or your attitude breaks you. Today, you have to keep this in your mind. There are two things that you have to keep in your mind. First of all, you have to prepare yourself and you have to say that, yes, I can do it. Everything in life has ups and downs. English language ka jo process hai, jo learning ka process hai, wo ek din ka nahi hai. Na hi wo kuch din ka hai. It is a gradual learning process. Aur isme aapka attitude jo hai, wo aapki sabse zyada help karega. You just have to believe in yourself that, yes, I can do it. It is slow. Sometimes it will be difficult. Sometimes it will be boring. Sometimes the pressure will be too much. Sometimes you'll say, no, I don't want to study it. I'm just bringing an end to it. But still, if you have that persistence in you, if you have the patience, if you know that, yes, I have to achieve my goal, you'll do it. Okay. So, and the second thing is that please don't be afraid of English language. हम सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक मॉन्स्टर है जो हमारे पीछे भागता हुआ आ रहा है और हम सब उससे भागते हुए जा रहे हैं ठीक है आई कैन सी द मॉन्स्टर कमिंग एंड आई एम जस्ट रनिंग अवे आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस इंग्लिश इट इज सो डिफिकल्ट आई डोंट वांट टू डू दैट व्हाई बिकॉज दिस इज योर थिंकिंग दिस इज योर थॉट सो यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड यू आर गोइंग टू इम्प्रूव राइट कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड And just believe in the fact that, yes, it is true. And yes, it is possible. And I am going to improve my language. Aaj se aapne is cheez ko apne mind mein rakhna hai, English language ko improve karne ke liye. Main ekdam se aapko language mein jump nahi karwa sakti. Na hi main aapka brain jo hai, usko open karke andar language ko pour kar sakti. This is not possible. What you have to do is that you have to prepare yourself mentally and physically. And you have to say that, yes, I can do it. It is a gradual process. It will take time. But with practice, everything is possible. And ek baat, jo ye jo fear hai, ye jo khauf hai. Abhi main aapko keh rahi hun ki aapne darna nahi. Aap kahenge, ye kaise possible hai? Possible ye isliye hai, being human, aapke andar different emotions hote hain, feelings hote hain, feelings of happiness, feeling of sorrow, feeling of sadness. खौफ डर ये कैसे होगा ये हो सकता है या नहीं आप अपनी फीलिंग्स को कभी खत्म नहीं कर सकते द ओनली थिंग यू कैन डू इज दैट यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स यू हैव टू कंट्रोल योर फियर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू कंट्रोल योर फियर यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू हैव टू बिलीव दैट येस इट इज पॉसिबल आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर So inshallah, by the end of the session, this cry baby and this child who is so much afraid of English language will become this. Isn't it so? So we are on the way towards learning English and we'll turn this confident. Aaj hum sab dar bhi rahe hain and we are afraid. I don't know what will happen, what we are going to do in the course. But with practice, inshallah, this is what we are going to become, right? So this is a message for all of you that be hopeful and stay positive and look at your attitude. That is extremely important. So I'm going to give you an idea about what basically we are going to do in this course. English grammar, jo hai, when you look at English grammar, what is English grammar basically about? Isme kuch set of rules hote hain. There are certain rules that we apply or we use in order to speak, write in a fluent and accurate way. Abhi main aapko bataungi ki fluency aur accuracy ka kya matlab hota hai. Secondly, जो रूल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है अगर आपकी ग्रामर पे एक बेसिक कमांड है वट एवर यू विल रीड एंड वट एवर यू आर गोइंग टू लिसन टू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ग्रामर हम उस हद तक फोकस करते हैं ग्रामर पे वी हैव टू लुक एट द ग्रामर बुक्स ओनली टू दैट एक्सटेंट वेयर योर बेसिक इंग्लिश इज करेक्ट इट इज अंडरस्टैंडेबल यू नो दैट हाउ यू टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस and how you have to connect sentences together and make them meaningful. This is the purpose of grammar. Don't think that everything is grammar.
आपने अगर लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पे इन्फ्लुएंस करना है, उसको प्रैक्टिस करना है. ये आपका एक साइड पे ग्रामर है जिसको आपने टच करना है जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स होंगे. दिस इज द रियल वे टू इम्प्रूव द लैंग्वेज. सो इन रूल्स को हम यूज करते हैं वर्ड्स फॉर्म करने के लिए. वर्ड्स आर नॉट इनफ, वी हैव टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. आप सेंटेंस में एक वर्ड्स को अरेंज करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ. वाई? बिकॉज सेंटेंस में आपने वर्ड्स को ऐसे थ्रो नहीं कर देना, यानी कि मैंने वर्ड्स ऐसे थ्रो कर दी और सब कुछ समझ आ गया. नो, यू हैव टू ब्रिंग अ करेक्ट ऑर्डर इन ईच एंड एवरी सेंटेंस. दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा जब सेंटेंस ऑर्डर में आ जाएगा? यही बात मैं अभी पहले कर रही थी. द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू कन्वे अ कंप्लीट एंड करेक्ट मीनिंग. Even if you make a simple sentence and the other person is able to understand what you're saying, the work is done. So humne English language ko is purpose ke liye improve karna hai. Theek hai? Well, it's already red and it's already underlined. Right. Now we have four English language skills: reading, writing, listening, and speaking. And they are basically divided into two categories. Ye main aapko idea iska isliye de rahi hu. So that आपको पता हो कि language skills होते क्या हैं, what are we basically looking at? हमारे English language skills जो हैं वो productive और receptive होते हैं. Productive का क्या मतलब है? Productive means to produce. Productive means output. Productive means when you have to give an output of something. So you produce in two skills, and these two skills are speaking and writing. स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बेसिकली आपका व्हाट डू यू डू इन द प्रोडक्टिव स्किल्स. व्हेन यू स्पीक योर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट इनटू वर्ड्स एंड यू प्रोड्यूस देम. अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना के बोलते हैं, जस्ट द वे आई एम ट्राइंग टू स्पीक, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज विद द हेल्प ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस आई एम एबल टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. My words are being produced and you're able to understand. Writing mein kya hota hai? Writing skills is also a productive skills because we think with the help of our understanding, we convert our thoughts into words and then we produce them. Ye ek basic main aapko sirf idea de rahi hu ki productive skills aur receptive skills inko kehte kyun hai, kyunki ye produce karte hain with the help of thoughts into words. Receptive skills, the word receptive means to receive input. You get something. So what you get, you pick up words, you're looking at the screen and you're reading it. On the slide, there are certain words. Aap inko read kar rahe hain. Words ko read karke, with the help of understanding, they convert into thoughts. Ek thought process chalta hai aur aap understand kar lete hain. Listening is again a receptive skill because you are listening to what I'm speaking. With the help of your brain, understanding, ye words jo main bol rahi hun, they are being converted into thoughts and you're able to understand. But the best part over here is that you've taken the first step. Do you know how you've taken the first step? You've taken the first step of improving the English language because you are able to understand all the four skills. So you should congratulate yourself and you should pat yourself on the back. Ki is course mein aapne admission liya hai. You're not blank. You're able to understand English language. So you're moving forward from here in order to have a more command over the subject, right? Ab grammar ka role kya hai hamari language mein? Aap is example ko yahan pe dekh sakte hain. Let's eat kids. Let's eat, comma, kids. Ab pehla jo sentence hai wo ye keh raha hai ki aaye hum bachchon ko kha lete hain. Really? Aap bachchon ko khayenge? No. So this is an incorrect sentence. Let's eat, comma, kids. ये एक punctuation की example यहाँ पे है, लेकिन इस punctuation के use से हमारे पूरे sentence का जो meaning है वो clear हो गया. आपने इसमें जो verb use किया है eat, जैसे आपने sentence की construction की है, that is meaningful and understandable. इसमें इसके सारे elements use किए गए in order to make it clear and meaningful. So this example basically over here is just to make you understand the importance of grammar and how you have to make meaningful and correct sentences. Now, what is language? Language is basically any new language that you learn basically opens doors for you into a new life, into a new world,
a world of opportunities. So why do we believe that English, why do we believe that any language, over here, of course, we are talking about English, you learn, it becomes a new life for you. Because it opens doors and it opens horizons and it opens a new window of opportunities and options for you. There are choices that come in front of you. The world of communication opens. You get to find more roads that you can travel on in order to gain what you're looking for. Aap apne goals achieve kar sakte hain. Aapke liye duniya jo hai woh aur zyada vast ho jayegi the day you are able to speak, read, write and listen English in a more fluent and accurate way. Why is a new language a new life? Because it is an international language. English will make you successful. And this is the most beautiful sentence when we say that the world becomes a smaller place to live in. Duniya choti ho jati hai. Let's see what are the reasons, what are the ways that make the world a smaller place to live in when you're able to speak English. Why do you want to learn it? Why do you want to be fluent and accurate in English? Because you have better business and job opportunities. Aap bhi options share kar sakte hain chat box mein. What do you think when you learn English? What is it that you're going to achieve? If you are thinking about doing some kind of business at national or international level, or you're looking for job opportunities, English, if it's in the palm of your hand, you can do anything. You can achieve anything. So job opportunities hain. If you look at different options, I have two coming in my mind. Ye jo Samsung hai aur Apple hai. If you get to know ke yahan pe English jo hai, wo mandatory language hai. If you have to do job in these areas, you need to have a strong command over the language. This is just an example. Traveling becomes convenient for you. You can travel anywhere in the world. International communication, wider access to knowledge, journals, books. We all know that 90% more than that of the content is found in English language. Access to a world of entertainment. Aapke liye entertainment ke jo options hai, wo open ho jate hain. Loads of content in English language is found on YouTube and Netflix. And I mean to say that anywhere, if you get to find a movie, you will find it in English. So international communication, either you can sit and study from the comfort of your home, or you can go anywhere in the world if you are strong in your language. Or secondly, the best part is that if you go for online earning, there are so many options where you can earn online. We have so many online platforms where there is a strong command over English language. You will just start earning in dollars, isn't it? So this is the reason we have to improve English language. And I would, inshallah, make it possible for you and you will learn it. You will improve. Fluency and accuracy. जो fluency होती है उसका मतलब ये होता है कि आप easily और quickly in a smooth way अपना message जो है वो convey कर देते हैं, ठीक है? Accuracy होती है that you are able to speak or write correctly without any mistakes. Fluency इसके लिए मैं आपको एक example दे देती हूँ. For example, if you ask a child, a small child, you give him a jug and a glass. और आप उसे कहते हैं कि जी ग्लास में जो है ना पानी पोर करें. पहले दिन वो पहली दफा जब पोर करने की कोशिश करेगा तो शायद जग गिर जाएगा या पानी ऐसे ऐसे होगा और जग ग्लास शायद गिर जाए और ही विल से दैट नो आई कैन नॉट डू इट. कुछ देर बाद या नेक्स्ट डे आप उनको फिर पकड़ाएंगे तो वो जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर बाहर गिरा देंगे और फिर छोड़ देंगे. फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, आप उनसे कहेंगे लेट्स ट्राई इट अनदर टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस. जब आप उनसे पानी डलवा रहे हैं, योर एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So third or the fourth time when he's going to pour, shayad aadha dal jayega, phir bahir gir jayega. Fifth or sixth time or maybe 10th or 20th time when he is going to pour the water, to wo pani jo hai bada smoothly jug se glass mein jayega. And he'll have a strong grip over the jug and the glass will not fall. And by the end, in a minute or two, or maybe he'll still take time because he's a child, we have to respect him for that. So he's going to pour it and then he'll drink it on his own independently. So what does this show? This shows do baatein hain. Ek to English language jo aapne learn karni hai wo bhi isi tarah hi hai. Girenge hum, uthenge, fir hum usko seekhenge. It will take time.
सेकेंडली फ्लुएंसी का यहाँ पे मतलब समझ आता है कि जब एंड पे पानी स्मूथली जग में जा रहा है, इसी स्मूथनेस से, इसी फ्लो से जब आप इंग्लिश बोलते हैं उसको फ्लुएंसी कहते हैं. When you are able to speak English in a quick, smooth way, fluid ki tarah. The ability to express oneself easily, aap express kar sakte hain apna point, that is called fluency. Accuracy hamesha grammar se related hoti hai, kyunki aapne usme accurate, correct sentences banane without any mistake, right? So this is fluency and accuracy. I hope it is clear. Sentence structure hum focus karenge jisme subject, verb and object aa jata hai. Ye aapka basic sentence structure hai aur ye सेशन 2 से ऑनवर्ड सेशन 30 तक इतना रिपीट होगा कि आपको सब पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अभी मैं आपको आगे थोड़ा सा आइडिया दूंगी. सो दिस इज बेसिकली द थ्री, दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. एंड वी विल स्टडी वर्ब्स सो मच, यू विल गेट लॉट्स ऑफ लिस्ट्स ऑफ दीज, हाउ दे आर यूज्ड इन अ टेंस, what are the types of verbs, आपने टेंसेस को कैसे यूज करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर. मैं आपको अब English language समझा के और पढ़ा के इस session को end करूँ, right? I'm going to give you an assignment, but before that I'm going to give you a demo over here. आपने एक assignment write करनी है जो कि है memorable trip. इसमें आपने अपनी mistakes के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना. Mistakes को आप positively consider करें. If you're making mistakes, be confident. Yes, I'm making mistakes. And I'm going to improve with the help of these mistakes. जब हम share करेंगे assignments और मैं आपकी corrections करूँगी, so just be glad कि आपको उनकी feedback मिल रहा है, right? So यहाँ पे मैं आपको एक example देने लगी हूँ. अभी यहाँ पे मैं आपके सामने write करूँगी. इसी तरह का ये आपने content जो है वो homework में assignment में write करना होगा. लेकिन please avoid करना है कि इसको आपने copy नहीं करना, ठीक है? You can look at this, of course. और आप इंटरनेट पे भी एक मेमोरेबल ट्रिप से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. देन यू कैन राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स, नो कॉपी पेस्ट. सो इफ आई राइट दिस, लास्ट ईयर आई वेंट टू नॉर्दर्न एरियाज विद माय फैमिली. It was an amazing 3-day trip. We went by car. The weather was chilly and comfortable. I enjoyed the natural beauty. It is the most memorable trip of my life. Generally, आपने इस तरह के कुछ sentences write करने हैं. अभी मैं आपकी क्योंकि हम this is the first day, the only thing is that you have to write and I'll just see कि आपको किस तरह की improvement की जरूरत है English language, all the students. So just don't be afraid. Just write anything that comes to your mind. यहाँ पे मैंने कुछ words यहाँ पे आपके लिए write किए हैं. आपने just 5 sentences write करने हैं about the most memorable trip of your life. और इसमें से आप कोई से भी words use कर सकते हैं उस trip को describe करने के लिए. ये भी हो सकता है कि आप यही words use कर लें या फिर आप अपने dictionary से search करके या internet से search करके और कुछ words जो हैं वो use कर सकते हैं. What you're going to do is कि आप एक paper के ऊपर write करेंगे with a dark blue pen or a dark black pen और write करके आप उस picture को उसका एक screenshot लेंगे, bright सा screenshot. देखिए मेरी screen आपको bright and clear नजर आ रही है. इस तरह की एक bright screenshot होना चाहिए जिसमें मुझे सब words जो है वो clear नजर आ रहे हों. उस screenshot को आपने WhatsApp group पे send कर देना, right? Very simple. So ये आप write करें और स्क्रीनशॉट लें और आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें. यू कैन डू इट राइट नाउ आफ्टर दिस सेशन, यू कैन डू इट टुमारो एंड बिफोर टुमारोज सेशन, सेकंड सेशन. प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट सो दैट यू कैन गेट फीडबैक और आपको पता चल जाएगा कि आपको किन आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं और हमें कहाँ कहाँ वर्क करना है. सही है? सो यू कैन आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस असाइनमेंट एंड आफ्टर आई थिंक 10 o'clock मैं आपको इस असाइनमेंट का एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूँगी.
So thank you so much for being a part of the session. Yes, Mr. Bilal, you can make the assignment in the Microsoft Word as well. Not a problem. Take a clear screenshot. Typing जब आप कर रहे होते हैं उसमें errors जो हैं वो आपके computer खुद correct कर देता है. So इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप एक notebook पे write करें. Handwritten assignment करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितनी improvement की ज़रूरत है. But then again, if you want to write it in the Microsoft Word, please take care about this space in between the words. Or take a clear screenshot. So thank you so much for being a part of the session. It was a pleasure having you. I hope that the first session has been informative. Please share your feedback in the Facebook, in the WhatsApp group. And inshallah, from tomorrow onwards, we'll start the topics. We'll start covering English language. If you have any confusion related to today's session, you can throw in your messages in the WhatsApp group. And I'm going to see you tomorrow in session 2. Take very good care of yourself and thank you very much for being a part of this session, which is specially for you. I'm glad and I'm happy that you are a part of this session where you will improve English language and you learn a lot of things, inshallah. Take very good care of yourself and Allah Hafiz. And one more thing, I'm going to upload this session at 11 p.m. on your Facebook group. When the session is uploaded on the Facebook group, what happens is that the video takes a little time. Ek process karti hai video. Processing ke baad video jo hai upload hoti hai. Isliye aapne bilkul pareshan nahi hona ki video jo hai wo hume visible kyun nahi ho rahi ya hume nazar kyun nahi aa rahi. Video processing ke kuch der baad aapko video jo hai wo accessible hogi. So all of you stay patient. And I'm going to upload it at 11 p.m. Take very good care of yourself and Allah Hafiz.